बड़ी खबर आपको दें, नोएडा के सेक्टर 74 में बैंकेट हॉल में आग लगने की जानकारी मिल रही है। दरअसल आग लगने से एक इलेक्ट्रीशियन की मौत भी हो गई है। हादसे के समय हॉल ही में काम कर रहा था इलेक्ट्रीशियन और दमकल की 15 गाड़ियों ने बैंकेट हॉल में लगी इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नोएडा की तस्वीरें हैं, सेक्टर 74 जहां बैंकेट हॉल में एक इलेक्ट्रीशियन अंदर काम कर रहा था और उसी दौरान अचानक से आग लग जाती है जिसमें इस इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि दमकल की 15 गाड़ियों को लगाना पड़ा बैंकेट हॉल में आग पर काबू पाने के लिए। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल स्थिति यहां पर रही होगी और इस वक्त ये पूरा बैंकेट हॉल किस तरीके से आग लगने से तबाह हो चुका है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रैंडियर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है, इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। ABP News आपको रखे आगे।